Give the ideas, balancing of chemical equation. And here we are going to understand about balancing the reactions. What does it mean? Balancing the reaction का मतलब क्या है? For example, if you use a 1 kg of rice and 1 kg of dal for making a khichdi. ठीक है? तो क्या product बनने के बाद, खिचड़ी बनने के बाद क्या 4 kg rice और 4 kg दाल हो जाएगा क्या? कितना डालोगे उतना ही रहेगा ना? It will be 1 kg rice and 1 kg दाल. तो जो रिएक्टेंट में होता है उतना ही अमाउंट आपको बाहर देखने के लिए मिलता है, प्रोडक्ट में भी देखने के लिए मिलता है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? यस. लेट्स गो अहेड विद सम एग्जांपल. सो हाउ वी विल स्टार्ट? पहले समझ के लो, फिर एक रिएक्शन आपसे बैलेंस कर रहा हूं. लेट्स से द रिएक्शन गिवन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये वर्ड इक्वेशन में दिया हुआ है. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू सोडियम सल्फेट प्लस वाटर. सोडियम सल्फेट प्लस वाटर. नाउ ये आपको वर्ड इक्वेशन दिया है. दे हैव गिवन यू अ वर्ड इक्वेशन. इसको पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो द केमिकल इक्वेशन इज गिवन बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH. सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4. एंड इट इज फॉर्मिंग NaSO4 प्लस H2O. अब हम स्टार्ट बैलेंसिंग. तो बैलेंसिंग पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी किसी से कटेगा. सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नहीं जानेगा. दिस इज वेरी क्लियर. सो आई प्रिफर टू गो अहेड विद द सोडियम. मैं सोडियम के साथ शुरू कर रही हूँ. लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम कितना है, राइट हैंड साइड पे सोडियम कितना है? हाउ मच सोडियम इज देयर ऑन द, सॉरी, दिस इज Na2SO4. लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम कितना है, राइट हैंड साइड पे सोडियम कितना है? 2. मतलब सोडियम को बैलेंस करना पड़ेगा. तो अगर वहां पे 2 है तो एक बार मल्टीप्लाई दिस 2 ओवर हियर. यहां पर भी 2 एन हो गया और वहां पे भी 2. अब ये 2 है, ये जो 2 है ये सबको मिलने वाला है. Na को भी मिलेगा, O को भी मिलेगा, हाइड्रोजन को भी मिलेगा. नाउ लेट्स फाउंड सल्फर. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कितना सल्फर है? 4. लेफ्ट में कितना है? 2. 2 कैसे? 4 कैसे? ये जो 4 है ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है. तो सल्फर तो अकेला ही है यहाँ पे. कितना सल्फर है यहाँ पे? 1. और वहां पे भी कितना सल्फर है? 1. मतलब सल्फर बैलेंस है. पहले हमने किसको बैलेंस किया? सोडियम को. कितना सोडियम था यहाँ पर? 1. वहां पर कितना था? 2. हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इज इट वेरी क्लियर? फिर हमने बोला कि चलो सल्फर देखते हैं. सोडियम बैलेंस हो गया, लेट्स गो टू सल्फर. यहाँ पे सल्फर कितना है? 1. वहां पे सल्फर कितना है? 1. 2 कैसे? 1 ही है. अगर नीचे लिखा है, एक बार समझो, अगर नीचे लिखा है तो मतलब जिसके नीचे लिखा है वो उसी का नंबर है. आगे लिखा है तो वो 2 सबके पास जाएगा. समझ में आ रहा है? कितना सल्फर है? 1. यहाँ पे भी कितना सल्फर है? 1. मतलब बैलेंस. लेट्स गो टू ऑक्सीजन. यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है जरा देखो, टोटल बताओ. 5 कैसे? 6. ये 2 सबके पास जाएगा ना, तो ये 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पे O के नीचे 4 है, मतलब ये 4 ऑक्सीजन हो गया ना. तुम लोग एट स्टैंडर्ड में कभी कुछ पढ़ाई नहीं किया ना, सॉरी 9. अच्छा तुम लोग वही 9th वाले हो, वहाँ 9th वाले तो टेंशन आए हो, जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है 9th स्टैंडर्ड में, कभी कुछ पढ़ाई नहीं की है. तुम ही लोग थे, हाँ तो भी तुम लोग ने कुछ नहीं पढ़ा. ये 2 जो है ये सबके पास जाएगा, एन के पास भी जाएगा, ओ के पास भी जाएगा, हाइड्रोजन के पास भी जाएगा.
इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सो यहाँ पर ये दो ऑक्सीजन प्लस, यहाँ पर मैंने कहा था ना जो जिसके नीचे नंबर होता है वो उसका नंबर होता है, तो यहाँ पर कितना है ओ फोर, मतलब यहाँ पे चार ऑक्सीजन, तो टू प्लस फोर राइट, लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में देखो कितना ऑक्सीजन है, फाइव। अब बैलेंस करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दू तो हो जाएगा क्या सिक्स, देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को काउंट करो, राइट हैंड साइड पे कितना ऑक्सीजन है, कहाँ से काम कहाँ से जरूर बताओ जोर से, ये तुम लोग ने बहुत गंदी हैबिट सीखी हुई है कि अगर कुछ नहीं समझ में आया तो नाक के अंदर बोलो कि सामने वाले को कुछ ना समझे और टीचर को लगे मास्क में बोल रहे हो, मैंने किसने वो सच्चे रीजन में मैंने बोला, मैं क्या बोल रही हूँ राइट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है बताओ और लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है वो बताओ, कहाँ कहाँ पर, अब कमांड करो, आओ 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 फास्ट फास्ट, टाइम पास नहीं करने का जल्दी, आप लोग का एट स्टैंडर्ड बहुत वीक गया है, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, कुछ नहीं किया दोस्तों, किधर किधर है, इसमें कितना ऑक्सीजन है देखो, देखो नीचे टू, इसमें कितना ऑक्सीजन है देखो, टोटल कितने हो गए ये साइड, वो साइड जाओ कितना ऑक्सीजन है, पहले वाले में कितने हैं, Na2SO4 में कितने हैं कैसे, अभी यहाँ बोली फोर वहां बोली टू, कैसे Na2SO4 में कितने ऑक्सीजन है, बाजू में खड़ी कर आवाज नहीं आ रही बताओ, देखो और H2O में कितने ऑक्सीजन, टू देखो कितने हो गए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन सेम है क्या, बैलेंस हुआ ऑक्सीजन, चलो हाइड्रोजन बताओ कितना, कितना हाइड्रोजन है, आप लोग सोच के रखो किसी को भी बोर्ड पे बुला सकते हो, इसमें कितना हाइड्रोजन है देखो, उसमें कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बोल रही हूँ दिखाई देता है, हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल H2, कितना हाइड्रोजन है वहां पर, फोर कैसे, वो तो ऑक्सीजन का लिखा है ना, हाइड्रोजन का बताओ कितना नंबर बोलना है, नंबर बोलो, कोई तो एक नंबर राइट होगा ही 100 में से, हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H, कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चेंज कितना है, कितना हाइड्रोजन हुआ देखो, टू उधर जाओ, पहले वाले में हाइड्रोजन है क्या, पहले वाले में हाइड्रोजन, हाँ उसमें हाइड्रोजन है नहीं है, जीरो लिख दो, पानी में कितना हाइड्रोजन है, टू है, कैसे फोर कैसे, रेडी रहो तुम लोग में से, मैं भी किसी को बुला लूंगी, मैंने क्या बोला था, ये टू सबके पास जाता है बोला था ना, यहाँ पर मैंने एक टू लिखा है ना, और ये ऑलरेडी एक टू है, तो दूसरा कितना हो जाता है, मतलब कितना हाइड्रोजन हो गया, देखो लेफ्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है, लेफ्ट और राइट समझ में आता है, कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, ठीक है, ये साइड में कितना है, रिएक्टेंट, अब मैं रिएक्टेंट की तरह मैं बोल रही हूँ, रिएक्टेंट में कितना, ये रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में कितना हाइड्रोजन है, टोटल टोटल कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं बोला है, हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल कितना हाइड्रोजन है, इसमें कितना था, इसमें कितना है, इसमें हाइड्रोजन कितना है,
इसमें हाइड्रोजन कितना था? बहुत सारे एकदम मजा करने का रिजल्ट है आप लोगों का। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा था कि नाइन्थ स्टैंडर्ड वीक होने का मतलब ये होता है। अब मैं अगर आपको काउंट करना सिखाऊंगी फिर तो सुनिए सीनियर जूनियर में ले जाकर बिठाना पड़ेगा आपको। नाइन्थ तक सिखाऊ मैं, टेंथ तक सिखाऊ, सॉरी। कितना हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, ये कितना है हाइड्रोजन, कितना है H2, कितना हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किसे करते हैं? हाइड्रोजन का सिंबल दो, गिव मी द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑक्सीजन क्यों बोल रही है? मैं हाइड्रोजन पूछ रही हूँ, आप ऑक्सीजन बता रहे हो। मुझे सिंबल बताओ हाइड्रोजन का, व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन? सिंबल नहीं पता हाइड्रोजन का। दिस इज व्हाट ऑनलाइन सिस्टम हैव डन टू अवर सिस्टम। किस तरह से स्पॉइल किया है? कभी अपने घर पे बोला नहीं आप टेंथ स्टैंडर्ड में? अच्छा अगर बच्चा आता हाइड्रोजन का सिंबल पूछेगा तो आप गायब हो जाओगे। यस यस यू ऑफ कोर्स। व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन? क्या है, क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल एच होता है। तो यहाँ पर कितने एच के नीचे कितने कितने नंबर दिए, मतलब कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे? टू। आपका ध्यान मेरा आपको यहाँ पे बुलाने का ये रीजन नहीं था कि आपको नहीं आता या आता है, आपका ध्यान नहीं था यहाँ पे, मेंटली यहाँ पर नहीं था, फिजिकली प्रेजेंट हो खाली, दिमाग कहीं और था, इसलिए आप इतने वीक हो। 10th स्टैंडर्ड का आधा साल खत्म होने जा रहा है और आपको हाइड्रोजन का सिंबल नहीं पता है। इट्स वेरी बैड पार्ट। कितना हाइड्रोजन है एलएच में? कितना हाइड्रोजन एच में? ऐसा फॉर्म है रिएक्टर में कितना हाइड्रोजन हो गए टोटल प्रोडक्ट में जाओ? पहले वाले में कितना हाइड्रोजन है? जीरो। दूसरे वाले में कैसे? हाँ क्योंकि उसने शायद ध्यान दिया होगा या जब मैंने आपकी बैंड बजाई तब उसने ध्यान दिया होगा। रिएक्टेंट में भी चार हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में भी चार हाइड्रोजन है, मतलब सब कुछ बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग तो तब आएगा ना जब आपको सिंबल्स याद रहेंगे, सिंबल्स याद रहेंगे तो तब बैलेंसिंग आएगा। जाते जाते मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था, एक मिनट, सिंबल से याद आया, नाइन तक तो जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरा फर्स्ट लेक्चर से लेक्चर अटेंड करते हो? नहीं है। हाँ मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में 30 एलिमेंट्स याद करवाए थे ना आपसे, उसमें सिंबल भी याद करवाया था ना? मैंने नहीं करवाया। तुम नहीं थे तो तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर का चैप्टर अटेंड नहीं किया है, ऐसा बोल रहे हो? सेकंड चैप्टर नहीं किया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो उसको क्या करोगे? बोर्ड में ऑप्शन डाल दोगे क्योंकि आप लेक्चर में नहीं थे इसलिए। मिस बैलेंसिंग अगेन, फिर से समझो जरा बैलेंसिंग कैसे करते हैं, एक बार समझो बच्चों। मैंने पहले भी काफी बार बोला है आपको, आज के टाइम पे शायद आपको बहुत बुरा लग रहा होगा मैं आपके साथ ऐसा बिहेव कर रही हूँ, तो बट ये आप इस चीज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आपको अगर इस स्टैंडर्ड में आकर अगर आपका हाइड्रोजन का सिंबल नहीं आ रहा है, मतलब आप 2 अंदर 2 आपको नहीं आ रहा है, इन शॉर्ट आपको ABCD नहीं आ रही है। NaOH,
इट्स बैलेंस इट अगेन. दिस इज कॉल्ड सोडियम. सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में टोटल काउंट देखना है. रिएक्टेंट में कितना सोडियम है, यहाँ पर कितना सोडियम है, वन. ठीक है, प्रोडक्ट में कितना सोडियम है, टू. क्या दोनों साइड बैलेंस है क्या? नहीं, दोनों साइड सेम आना चाहिए. अब दोनों साइड सेम करने के लिए मैंने क्या किया, आई मल्टीप्लाई टू ही. कुछ चीजों को समझो, जब मैं आगे मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो जो नंबर है वो सबको मिल जाता है, इट गोज टू एवरीथिंग. ये टू Na को भी गया है, O को भी गया है, H को भी गया है. पर अगर कोई चीज नीचे लिखी हुई है तो वो नंबर सिर्फ जिसके नीचे लिखा होता है उसी को जाता है. दिस इज वेरी क्लियर व्हाट आई सेड. सो हियर दिस टू गोज टू Na आल्सो, O आल्सो, H आल्सो. पहले सोडियम का काउंट देखते हैं. रिएक्टेंट, प्रोडक्ट. रिएक्टेंट मैंने कितना है, अब कितना हो गया Na? प्रोडक्ट में Na कितना है, मतलब Na बैलेंस हो गया. लेट्स गो टू सल्फर. सल्फर कितना है रिएक्टेंट में, इसमें सल्फर है क्या? नहीं. इसमें कितना सल्फर है, वन. इसमें कितना सल्फर है, मैंने कहा था अगर O के नीचे फोर है तो फोर O को ही जा रहा है, S को नहीं. तो S कितना है यहाँ पे, वन, मतलब सल्फर बैलेंस है. लेट्स गो टू ऑक्सीजन. कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, टू. ये टू सबको जाता है, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो गए, सिक्स ऑक्सीजन. यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, फोर प्लस वन फाइव, मतलब बैलेंस नहीं है. अब यहाँ पे अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दू, आपको ये चीज प्रैक्टिस कर करके आएगी, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर कितना, तो दोनों साइड सिक्स सिक्स हो गया. लेट्स गो टू हाइड्रोजन. कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, टू प्लस टू, मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट में फोर हाइड्रोजन है. यहाँ पर इसमें है क्या हाइड्रोजन, इसमें कितना है, ये ऑलरेडी ये टू इसके पास है, मतलब ये टू ऑलरेडी इसके पास है, और टू टू सा Now your equation is balanced. जब सारे elements का number reactant और product में same आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? Equation is balanced. This is very clear. Yes. Hydrogen oxygen से शुरुआत जल्दी नहीं करने का, किसी और element से शुरुआत करने का. Pencil से कभी भी try करने का पहले, क्योंकि हो सकता है अगर आपने यहाँ पर कुछ multiply किया और कुछ और balance नहीं होता, तो ये number हटाना पड़ेगा. ये आपको धीरे धीरे आएगा. एग्जाम में ऐसे ही किया जाएगा, आपको एक इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे बैलेंस करो, मतलब जितने नंबर्स एलिमेंट्स में है उतना ही, जितने नंबर्स रिएक्टेंट में है उतना ही नंबर्स कितने कहाँ आने चाहिए. अगर सोडियम एक है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी एक ही सोडियम चाहिए. अगर एक ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी एक ही ऑक्सीजन चाहिए. अगर एक हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में तो एक ही हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी चाहिए. दिस इज वेरी क्लियर. ठीक है, ले लो. फिर मैं रिएक्शन देती हूँ, बैलेंस करो. लिख लो जैसा लिखा है वैसे लिखो. लास्ट में लिख रहा हूँ, इक्वेशन इज केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस. पढ़ाई करो, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो घर पे. मैंने कुछ होमवर्क किया था क्या? मैंने कुछ होमवर्क किया था शायद. कोर्ट सम दिया था और फाइव टाइम्स कुछ प्रैक्टिस करने को भी दिया था, है ना? उस
बेटा मैं ना बोल रहे कितने लोग होगा करके नहीं आते इस टाइम मैं उनको चेक करूंगी तो भेजूंगी क्लास से बाहर मुझसे अगर आइडिया खड़े हो जाओगे तो अच्छा है कितने लोग होगा करके नहीं आते इस टाइम खड़े हो गए या फिर सर को भेज दिया अंदर वो चेक करेंगे न्यूमेरिकल्स बोला था एक मिनट रुको जरा सुन ले तो मुझे यस बोलो दिस इज नॉट वैलिड इट इज कंसीडर्ड कि आपने होमवर्क नहीं किया दिस इज कंसीडर्ड एंड आपने होमवर्क नहीं किया मैं इस चीज को कभी भी कंसीडर नहीं करती कितने लोग ये बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने बुक लिया है फ्रेश में कंसीडर नहीं करके आता हूँ बाकी लोगों ने होमवर्क किया है ठीक है बुक निकाल के रखो ये केमिकल इक्वेशन होने के बाद आपके होमवर्क चेक होंगे नहीं किया जिन्होंने बुक नहीं लाई है ना उनके सामने लिखते ना बुक नॉट ब्रिंग और नेक्स्ट टाइम मुझे बुक दिखाओ ना सब का बुक नहीं लाया ऐसा हो गया क्या मैंने भी किया बस बहुत नहीं किया एब्सेंट था आपने कंप्लीट किया दो काम उसमें और जो पहले का आपने दिया था वो भी कंप्लीट किया होमवर्क कुछ ना आपकी जिम्मेदारी थी मेरी हां वो कंप्लीट किया मैंने बस होमवर्क में लिखा नोट्स लिख के लाया होमवर्क क्यों नहीं लिखा भाई पढ़ो होमवर्क इतना आपकी जिम्मेदारी है होमवर्क कुछ ना बोल रहा था नोट्स लिए मैंने वो लिख के ना हां जाओ आप लोग अपने लिए एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हेलो SO2 प्लस H2S गिव्स यू S प्लस H2O close your textbooks everyone textbook बंद करो let's balance it let's try to balance it as I said hydrogen oxygen के साथ start नहीं करने का will not do जो मेरे rule है मैं उसी के साथ जाऊंगी let's try to बैलेंस सल्फर फर्स्ट रिएक्टर में कितने सल्फर है एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे है दो है प्रोडक्ट में कितना है अगर मैं प्रोडक्ट में टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों साइड टू टू हो जाएंगे चलो पहले जो किया है पहले रुक जाओ मैंने पहले ही कहा था पेंसिल से कहा था मेरे पास तुम्हारे से रहेंगे ड्रम सो लेट्स पुट द टू गो फॉर ऑक्सीजन नाउ कितना ऑक्सीजन है दो कितना ऑक्सीजन है वन अगर मैं यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दू तो टू ऑक्सीजन हो जाएगा गो फॉर हाइड्रोजन यहाँ पे टू है और वहां पे कितना है मैं यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दू और यहाँ पे एक
सल्फर बैलेंस में रह गया, मतलब मुझे पहला सल्फर कंसिडर नहीं करना है। ये मेथड आपको बता दें कि अगर आपने पहले सल्फर चूज कर लिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि हमको किसके साथ जाना है, पेंसिल के साथ जाना है पहले, कि अगर अगर हमारा कुछ ऐसा मिस्टेक होता है तो वी कैन रब इट और हम लोग कुछ और ट्राई कर सकते हैं। मतलब अगर पहले सल्फर से किया तो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है, सल्फर छोड़ दो। अरे डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई व्हाट आई ट्राइड टू से? मैंने मेरा जो रूल था वो फॉलो किया कि भाई पहले सल्फर लिया, सल्फर को बैलेंस कर दिया, फिर ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, मेरा सल्फर का बैलेंस ही खत्म हो गया। मतलब मेरा सल्फर को पहले मेरे को चूज करना नहीं चाहिए था, आई नीड टू यूज समथिंग एल्स। सल्फर रॉन्ग साबित हो गया, सल्फर के साथ पहले नहीं जा सकते, तो लेट्स गो बाय ऑक्सीजन, लेट्स गो बाय ऑक्सीजन। ये सब रख करती हूँ जो बैलेंस किया था। रिएक्टर में कितना ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में कितना है, वन, मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है। अब हाइड्रोजन के साथ जाओ, रिएक्टर में कितना हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाय टू, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब सल्फर के साथ जाते हैं, कितना रिएक्टर में सल्फर कितना है, यहाँ पे वन और यहाँ पे ये टू सबके पास जाएगा, सो इट इज वन प्लस टू थ्री। अगर मैं यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई करता हूँ कुछ और डिसबैलेंस हो रहा है क्या, तो सल्फर की बैलेंस हो गया। समझ में आया क्या मेथड यूज किया? फिर से बताती हूँ ध्यान से देखो। मैंने कहा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया, मैंने कहा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले मत यूज करो, जो दूसरे एलिमेंट से पहले उनके साथ शुरुआत करो। तो मैंने सल्फर के साथ शुरुआत किया, जब मैंने सल्फर के साथ शुरुआत किया सल्फर बैलेंस हो गया, फिर मैंने ऑक्सीजन किया ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट जब मैंने हाइड्रोजन किया तो जो सल्फर था वो भी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में कौन डिस्टर्ब हो गया, सल्फर। मतलब मुझे पहले सल्फर के साथ नहीं जाना है। मैं बोला चलो ठीक है, आप सल्फर के साथ नहीं जाते तो दूसरा मेरे पास कौन बचा, ऑक्सीजन, लेट्स गो विद ऑक्सीजन। जब मैं ऑक्सीजन के साथ गई, यहाँ पर मैंने दो ऑक्सीजन देखा और वहां पर मैंने कितना ऑक्सीजन देखा, एक। तो वहां अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो वन इंटू टू इज टू, यहाँ पर दो ऑक्सीजन हो गया और वहां पे दो ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बिकम टू इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितना हो गया, लेट्स गो विद हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन, इसमें कोई हाइड्रोजन है क्या, कितना हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी कितना चाहिए, प्रोडक्ट में भी फोर है क्या, बराबर। नाउ आई कैन गो विद द सल्फर, है ना। रिएक्टर में कितना सल्फर है, रिएक्टर में कितना सल्फर है, यहाँ पर एक और यहाँ पे ये जो टू है ये सबको जाएगा, तो ये टू टू जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर चार है और सल्फर यहाँ पर कितना है, टू, वन प्लस टू इज थ्री। रिएक्टर में सल्फर तीन है तो प्रोडक्ट में भी सल्फर तीन चाहिए, और अगर यहाँ पर मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो चलेगा, कुछ और डिस्टर्ब हो गया थ्री से मल्टीप्लाई करने से, मिस द इक्वेशन इज नाउ ना। व्हाट द टाइम, खुद से ट्राई करो, खुद का दिमाग लगाओ, यहाँ से छापो मत, इक्वेशन लिख लो और खुद से बैलेंस करने की कोशिश करो। मेरा छापोगे तो मेरा दिमाग यूज करोगे अपना ही बैलेंस। रोज का एक्सपीरियंस होता था मेरे लाइफ में, हो गया बैलेंस, डन विद द बैलेंस थी। नेक्स्ट लो, देखो रिएक्शन लो, उसको बैलेंस करने की कोशिश करो।
Ag plus HCl gives you HCl plus H2. Balance it. Ag is your symbol. बैलेंस करने के बाद पेंसिल को बंद होना चाहिए, ट्राई करो बैलेंस करने। पहले अगर एजी को देखो तो एजी ऑलरेडी बैलेंस है, फिर सीएल को देखो तो सीएल भी ऑलरेडी बैलेंस है, गड़बड़ी हाइड्रोजन से शुरू हो रही है। दिमाग लगाओ, देखो क्या कर सकते हो। बैलेंस इट, हो गया बैलेंस। बैलेंस करके रखो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। विंडोज ओपन कर लो गाइस। व्हाट इज आया समझ में आ रहा है बैलेंसिंग कैसे करना है? यस। आपको एक इक्वेशन दे देगा, आपको ऐसे बैलेंस करना होगा। The next heading is type of chemical reaction. कितने लोगों को ये आया? Raise your hands. अच्छा कितने को नहीं आया? वो लोग हाथ उठाओ। Please उठाओ, मैं फिर समझा दूँगी। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एजी एक है, यहाँ पे भी एजी एक है। एजी के साथ कुछ नहीं करना, सिल्वर के साथ कुछ नहीं करना। यहाँ पे सीएल कितना है? One. यहाँ पे भी सीएल कितना है? One. मतलब फिलहाल सीएल के साथ भी कुछ नहीं करना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? One. यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? Two. अगर मैं यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दो हाइड्रोजन हो जाएगा। Yes. पर हाइड्रोजन के दो होते हैं, सीएल भी कितना हो गया? Two. और यहाँ पर सीएल कितना है? One. अगर मैं यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दो सीएल हो गया। yes. और दो सीएल हो गए, कौन सी दो कौन हो गया? एजी। यहाँ पे भी एजी को कितना देना पड़ेगा? दो। तो लाया? Types of chemical reactions. पहला टाइप देखो, combination reaction. Combination reaction. Combination reaction. कॉम्बिनेशन ये बॉडी बता रहे कि कंबाइन हो रही है कोई चीज। आपके पास रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, अगर ये कंबाइन होकर ए बी बन गया, मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से एक सिंगल चीज बन रही है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से क्या हो रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सच रिएक्शन का कॉल्ड अस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब ए और बी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए हैं। समझ आ रहा है? व्हाट आई एम सेइंग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझा? व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड अ सॉरी सच रिएक्शंस आर कॉल्ड अस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज दिस वेरी क्लियर? समझा कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देखो
when two or more reactants, when two or more reactants, when two or more reactants combine, when two or more reactants combine in a reaction, combine in a reaction to form, combine in a reaction to form single product, combine in a reaction to form single product, single product, such reactions are called as combination reactions. Such reactions are called as combination reactions. Such reactions are called as combination reactions. ये लिख रहा हूँ, ये प्लस बी गिव्स यू एडी, ठीक है, समवन कैन रीड, इसको कोई एकदम पेज हो, एक्टिविटी वन, एक्टिविटी वन से शुरू करो, लोग पेज नंबर 36, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन पेज नंबर 36, एक्टिविटी वन keep a small amount of hydrochloric acid in the test tube. Heat the test tube. Dip a glass rod in the ammonia solution and hold on the top of the test tube. You will observe a white smoke emanating from the tip of the glass rod. What must have happened? Due to the heating, HCl vapor. What they are doing? They are taking a small amount of hydrochloric acid. A hydrochloric acid ka container mein le rahe. Then what they are doing? They are heating the test tube and by dipping, there is a glass rod. Glass rod ko unhone ammonia mein se dip karke aur us HCl ke upar aisa laga rakh diya. Ab kya hoga? HCl aur ammonia ek dusre ke sath react karega aur react karke kuch product banayega. क्या प्रोडक्ट बनाएगा जरा देखो तो ड्यूरिंग ड्यू टू द हीटिंग HCl वेपर्स स्टार्टिंग कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब एंड NH3 गैस केम आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑन द ग्लास रॉड अमोनियम गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट अमोनियम chloride in the gas gaseous state first, but immediately due to the condensation process at the room temperature, it got transferred into the solid state. As a result, white smoke. It is like as a result, white smoke is formed. Was formed. The chemical equation from this is as follow: HS3 उन्होंने एक कंटेनर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, उसको हीट करना स्टार्ट किया, टू का ग्लास रॉड, और वो ग्लास रॉड कहाँ पे इंसर्ट किया? अमोनिया में, अमोनिया की लिक्विड में इंसर्ट किया, NH3। इंसर्ट करने के बाद वो ग्लास रॉड लाकर जिसमें आपने HCl रखा है, जिसको आप हीट कर रहे हो, उसके ऊपर ऐसा लेकर आ गए। हीटिंग की वजह से HCl गैस एवोपरेट हो रही है और वो किसको जाकर मिलेगी? NH3 को जाकर मिलेगी। जैसे ही आपका NH3 और HCl गैस एक दूसरे को मिलेगा, ठीक है, ये दोनों मिलने के बाद एक व्हाइट कलर का स्मोक निकलना चालू होगा। ये व्हाइट कलर का जो स्मोक है, स्मोक का मतलब धुआं, ये जो व्हाइट कलर का स्मोक है वो तुरंत ही कंडेंसेशन प्रोसेस है। कंडेंसेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि वापस से अपने ओरिजिनल ओल्ड स्टेट में चले जाना। फॉर एग्जांपल, कंडेंसेशन प्रोसेस में आपका जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है। नॉर्मली थ्री स्टेट्स होते हैं ना, तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, फिर लिक्विड, देन गैस। कंडेंसेशन में डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाता है या फिर गैस से सॉलिड उल्टा हो जाता है। समझ में आ रहा है कंडेंसेशन प्रोसेस?
आपका जो नेफ्थलीन बॉल्स होता है, जो कैंपर होता है, वो सब कंडेंसेशन को, आपका जो नेफ्थलीन बॉल्स होता है और जो आपका कैंपर होता है वो सीधा कंडेंसेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। आप कहीं पर कैंपर रख देते हो वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, हवा में उड़ जाता है ना, मतलब सॉलिड से सीधा क्या बन जाता है, गैस। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। या फिर गैस से अगर डायरेक्टली आप उसको सॉलिड बना ले रहे हो तो दैट इज ऑल्सो कंडेंसेशन प्रोसेस। पता है इसके बारे में? सो वो जो आपका व्हाइट कलर का स्मोक निकल रहा था, दैट व्हाइट कलर का स्मोक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फिर से रिएक्शन देखो, HCl लिया है, उसको हीट किया, अमोनिया एक रॉड लिया है, अमोनिया के सॉल्यूशन में उसको डिप किया। डिप करने के बाद HCl का जो कंटेनर है जिसको आप हीट कर रहे हो उसके ऊपर ऐसा अमोनिया को रख, वो रॉड को रख दिया, उसमें पूरा अमोनिया लगा हुआ है। HCl जो है वो गैस बनकर एवोपरेट होगा और एवोपरेट होकर किसको जाकर मिलेगा, अमोनिया को। अमोनिया को मिलने के बाद आपको एक व्हाइट कलर का स्मोक देखने के लिए मिलेगा, व्हाइट कलर का धुआं। और वो व्हाइट कलर का धुआं कंडेंसेशन प्रोसेस से गैस से वापस क्या बन जाता है, सॉलिड। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Now here, if you see the reaction, just look at the reaction, NH3 और HCl, A plus B, मिलकर क्या बन रहा है, NH4Cl, दिख रहा है? Yes. दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन जाता है। Is this very clear? Yes. Same, just look at magnesium reacting with oxygen. It's forming magnesium oxide. दिख रहा है? दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है। Next is calcium oxide plus water. अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट बाहर निकल रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लस हीट का मतलब है कि हीट बाहर निकल रही है। सो अगेन कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना है। कौन सा प्रोडक्ट है वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट बेंच, लास्ट पॉइंट, स्टार्ट रीडिंग। Take this line, white powder of magnesium oxide is formed. आपको प्रोडक्ट का कलर पूछते हैं वो लोग एमसीक्यू में। अगर आपने मैग्नीशियम को हीट किया तो आपको क्या मिलेगा? तो देयर विल बी अ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये भी पूछेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन कैसा आता है? लास्ट का जो 5 मार्क का क्वेश्चन आता है मोस्टली उसमें ऐसा पूछते हैं वो लोग। बोलते हैं यू हैव गिवन अ मैग्नीशियम, यू हैव गिवन अ मेटल मैग्नीशियम, यू आर हीटिंग इट। हीट करने के बाद पूछेंगे, क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज। तो आपको वहां पर आंसर करना होता है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाइट कलर, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Write down the chemical equation. फिर आपको वो पूरा chemical equation लिखना पड़ता है। So this is how it goes. इस तरीके से आपको experiment पूछा जाता है। So science में अगर auto plan है तो वो 5 mark का question आपको solve करना पड़ता है with the knowledge. वहाँ पे आपका रट्टा काम नहीं आता। या जिसको पूरी book याद हो वो उसको answer कर सकता। So okay. Next, go ahead, go ahead. कैल्शियम ऑक्साइड को स्लेग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन स्टार्ट रेडी लिखना स्टार्ट करो जो मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट डालो सर, फर्स्ट
ammonia reacts with hydrochloric acid. And ammonia reacts with hydrochloric acid. It forms ammonium chloride. It forms ammonium chloride in solid state. It forms ammonium chloride in solid state. It forms when ammonia reacts with hydrochloric acid. It forms ammonium chloride in solid state. The solid state method. The reaction can be written as as it is up to page number 36 ka reaction likho. NH3 plus HCl will form NH4Cl. Isse naam bhi likho. Ammonia plus hydrogen chloride will give you ammonium chloride. Jaldi karo. Kal ke lecture mein कॉम्बिनेशन रिएक्शन और अगर डिकम्पोजिशन हो जाता है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों आपको पाइहार्टेड होना चाहिए रट्टा मारा हुआ मैं कोई भी रिएक्शन बोलो आपको लिख के आना चाहिए ये चैप्टर ऑप्शन में चला जाएगा अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई नहीं की तो मैग्नीशियम स्ट्रिप इज बॉन्ड व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म व्हाइट पाउडर को डबल अंडरलाइन करो व्हाइट पाउडर को डबल अंडरलाइन करो रिएक्शन देखो 2Mg plus O2 will give you 2MgO. Now we check for magnesium plus oxygen, magnesium plus oxygen gives you magnesium oxide. Give you magnesium oxide. Then next we go. When calcium oxide, graphic mein likhna, slip line. When calcium oxide, graphic mein likhna, slip line. Slip line ko double underline karo. Slip line. Reacts with water. It forms calcium hydroxide. Calcium hydroxide के साथ देखो चित्र को and generate large amount of heat. बहुत ज्यादा हीट बाहर फेंकता है एंड जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मतलब अगर ऐसा रिएक्शन आप करोगे ना आपका कंटेनर अपने आप गर्म हो जाएगा बिना हीट दिए आपको एकदम गर्म कंटेनर का फीलिंग आएगा क्योंकि वो हीट बाहर फेंकता है एंड जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एग्जांपल लिखो सॉरी इक्वेशन लिखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेम एज इट इज रिएक्शन लिखो अगर आपको बोला कि एक्सटेंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो उसका डेफिनेशन लिखना है और ये तीन केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं
अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ दिया आपको सिर्फ आधा मार्क्स मिलेगा दो में से, दो मार्क का डेफिनेशन आता है तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ इन तीनों एग्जांपल्स को लिखना है। अगर आपने केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ आधा मार्क्स मिलेगा। इज इट वेरी क्लियर? पूरा मार्क्स केमिकल रिएक्शन के लिए होता है। मैं 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, अभी तक मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई है अच्छे से एक बार गो थ्रू करो, कहीं पर बताओ ना तो पूछ के लो, अच्छे से गो थ्रू करो अच्छे से, और कल मुझे यहाँ तक पढ़ के दो। मैं कल आने के बाद पहले ओरल लूंगी, अगर आंसर नहीं मिला मैं बैच से निकाल दूंगी। और एब्सेंट होते हो कल चैप्टर का मोस्ट ऑफ द पार्ट खत्म हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो, तो आपकी जिम्मेदारी होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे स्टॉप करते हैं, कल आप मुझे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पढ़ के दो, एक बार समझो बच्चों, फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इट्स नॉट फिजिक्स और इट्स नॉट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जैसा चैप्टर नहीं है ये, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लगेगा, बहुत सारे रिएक्शन है। अभी अगर मेरे साथ पढ़ के नहीं लोगे आगे जाने के बाद चैप्टर में ऑप्शन में चला जाएगा, तो अभी सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही पढ़ा है आपको, सिर्फ उसके 3 केमिकल इक्वेशन याद करने हैं और उसका डेफिनेशन याद करना है। पीछे जो 5 लिखा है तो वो तो मैं काफी दिन से बोल रही हूँ, पढ़ के आओ, अगर पढ़ा होगा तो वो तो बर्डर होगा ही। प्लीज कॉम्बिनेशन रिएक्शन कल अच्छे से करके आओ, और इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वजह से एब्सेंट मत होना, क्योंकि कल मैं बहुत सारे टाइप सिखा दूंगी, तो मोस्टली आपका 2 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो कल का लेक्चर मिस मत करना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाएगा, और कल पढ़ के आओ। बाय एवरीवन, टेक केयर। रिकॉर्डिंग इन कर दीजिएगा।